नमस्कार साथियों, गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2019 पर, जहाँ पर सहायक कनिष्ठ सहायक चयन परीक्षा प्रतियोगितात्मक परीक्षा आयोजित होने है, जिसको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रारंभ तिथि 26 जून 2019 और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ की तिथि 26 से 2019 है। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुल्क आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2019 है। साथियों, इसमें संशोधन करने के लिए एक हफ्ते का और समय दिया गया है, अर्थात आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वो 27/7/2019 है। हम चलते हैं विस्तृत विवरण में। इसमें एक विशेष कथन दिया गया है, उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 20/7/2019 तक है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन व फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक आवेदक की जो फीस है वो बैंक में जमा नहीं हो जाती, उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो जाती, तब तक जो है अभ्यर्थी अपने प्रिंटआउट नहीं ले सकता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 20/7/2019 तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर अर्थात 27/7/2019 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर कैटेगरी को छोड़कर संशोधन भी कर सकता है। कुल मिलाकर के ये है कि 20/7 से 27/7 के बीच में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। साथियों, आगे है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2019 द्वारा विज्ञापित कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न 21 विभागों में सहायक कनिष्ठ वेतन बैंड 5,200, 20,200, पे ग्रेड है 2,000। इस पे कुल रिक्तियों की संख्या है 1,146। रिक्तियां अच्छी हैं, 1,146 पद हैं सारे पदों सारे विभागों में मिला करके। इसमें आरक्षण भी दे रखा है, EWS का प्रोविजन भी है, SC ST के लिए प्रोविजन है, PWD के लिए भी प्रोविजन है। इसमें ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षा भी होगी, टंकण की परीक्षा भी है कुछ परीक्षाओं में। तो इसके जो विस्तृत विवरण है इसको भरने के लिए सबसे पहले इसका विस्तृत विवरण जरूर पढ़ें और नोटिफिकेशन जरूर देखें। अब आवेदन जो फिलअप करना है उसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि आवेदन कैसे भरा जाएगा और उसको ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक आवश्यक सूचना है। इस संदर्भ में इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हैं तो ऑनलाइन आवेदन पद्धति ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, किसी भी अन्य माध्यम से स्पीड पोस्ट से या ऐसे तरीकों से जो पहले किया जाता था कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को एक प्रक्रिया दी गई है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत आपको आवेदन करना है। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है 5 भागों में है।
पहला है कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन करेगा। कैंडिडेट जब रजिस्ट्रेशन कर लेगा उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना, फिर उसके बाद सारी डिटेल भरी जाएगी, फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉर्म, फिर उसके बाद फीस का भुगतान करना है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, ये भी फाइनल सबमिशन करना है, फिर उसके बाद जब फीस का समायोजन हो जाएगा तो उसका प्रिंट आउट लेना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण कर सकता है। अभ्यर्थी जो ये पांचों प्रक्रिया है जो पांच भागों में विभाजित है, अर्थात कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना, फॉर्म का विवरण भरना, फीस का भुगतान और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, ये एक बार में ही पूर्ण हो सकता है। इसके लिए बार बार आपको लॉगिन और लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस फॉर्म को भरने के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वो है www.upssc.gov.in। इस पर जा करके आप ऑल नोटिफिकेशन में जाएंगे, एडवर्टीजमेंट डिटेल पर क्लिक करके आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो आवेदन की प्रक्रिया हमने आपको बता दी है, इसमें ध्यान रहे कि जो भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश के अन्य प्रदेशों के निवासी हैं वो सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे, भले ही वो आरक्षित श्रेणी के तहत आते हों। अभ्यर्थी को जो फोटो लगानी है उसके बारे में भी एक डायरेक्शन दिया गया है। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए, टुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो, चेहरे के दोनों किनारे कान साफ दिखते हों, चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखाई देनी चाहिए, शीशा रंगीन होना चाहिए, कैमरे पर नज़र सीधी हो, अभिव्यक्ति तटस्थ हो, सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है, फोटो का जो आकार होना चाहिए 35 mm यानी 1.4 inch × 45 mm या 1.75 इंच का होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो लगभग 70% पे होना चाहिए। कह रहे हैं कि फ़ोटो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, फ़ोटो पुराना नहीं होना चाहिए, जेपीई, जेपीईजी, जेपीजी प्रारूप के जो फ़ोटो होंगे वो स्वीकार होंगे, अधिकतम 30 KB और न्यूनतम 5 KB का फ़ोटो होना चाहिए आपका फॉर्म भरने के लिए। फिर उसके बाद है एक घोषणा पत्र है, लास्ट में जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे एक घोषणा पत्र दिया गया है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप उस घोषणा पत्र से सहमत हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और यस का चयन करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। अगर आप घोषणा पत्र से सहमत नहीं हैं तो आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है वहीं पर रुक जाएगी। देखें अब इसमें फीस आप जब भर देंगे, फीस भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन भी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट से SBI के ई चलान द्वारा भी फीस भरी जा सकती है। ई चलान के माध्यम से फीस भरने के लिए आपको ई चलान डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा पर जा करके शुल्क का भुगतान करना होगा, फिर उसके बाद वो आपका आपके फॉर्म पे ऑनलाइन शो कर जाएगी। किसी कारणवश यदि अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाता, वह शुल्क का भुगतान करने की अवधि मुख्य पृष्ठ पर क्रेडिट कार्ड या SBI की वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकता है, जो समय है उस समय सीमा के अंतर्गत वह भुगतान कर सकता है, निर्धारित जो तिथि है उसके बाद भुगतान किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं होगा। अब हम फीस की बात कर लेते हैं, इसके लिए फीस कितनी है।
आरक्षित श्रेणी के लिए कुल 185 रुपये, अनारक्षित सॉरी अनारक्षित यानी सामान्य श्रेणी के लिए 185 रुपये, ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 185 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपये, विकलांग जनों हेतु 25 रुपये की फीस का प्रावधान किया गया है। ये फीस है। इसके बाद आप जो है आवेदन पत्र में संशोधन का प्रोविजन है। अगर आप कोई गलती करते हैं या कि आप जो है उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं 20 तारीख के बाद और 27 तारीख के पहले आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। रिक्तियों की बात कर लेते हैं। परिवहन विभाग में 187 पद हैं। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश मुख्यालय में 4 पद हैं। सर्वे कमिश्नर वक्फ बोर्ड में 44 हैं। निदेशक अल्पसंख्यक 60 पद हैं। निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश प्रयागराज में 66 पद हैं। निदेशक मत्स्य उत्तर प्रदेश निदेशालय में 10 पद हैं। इस तरीके से टोटल 1186 पद हैं जिसपे ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जानी है। तो आप सभी से आग्रह है कि आप यदि इसमें जो है आप आते हैं, आप भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरें, और फॉर्म भरने के बाद जो है उसमें परीक्षा होगी, परीक्षा दें, परीक्षा की तैयारी करके फिर उसके बाद आपको पूरा पूरी आशा है कि आपको जॉब मिल जाएगी। इसमें विकलांग जनों के लिए 4% का क्षैतिज आरक्षण है जो पहले से ही उसमें वर्गीकृत किया गया है, मैं बताया नहीं आपको। शैक्षिक अर्हता कनिष्ठ सहायक के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता परीक्षा पास कर ली। जो कनिष्ठ सहायक पद है उसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। कंप्यूटर चलाने का आपके पास कोई सरकारी मान्यता प्राप्त एक DOECC का सोसाइटी का एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अधिमानी अर्हता भी है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। अब इसके बाद इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की उम्र का व्यक्ति होना चाहिए। उसके बाद जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों को छूट भी प्रदान की गई है। खिलाड़ियों को भी छूट प्रदान की गई है। भूतपूर्व सैनिक जो उनको भी प्रदान की गई है। और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। परीक्षा के संबंध में एक विशेष नोट है। यदि विज्ञप्ति पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन समक्ष के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन आयोजित करना सुविधाजनक नहीं होता तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। कह रहे हैं कि अगर आप अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो गई और एक बार में एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराना संभव नहीं रहा तो इसके लिए ये दो शिफ्ट या दो से अधिक शिफ्टों का में परीक्षा कराएंगे। चयन का आधार जो है लिखित परीक्षा होगी, प्रतियोगितात्मक परीक्षा होगी, फिर उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं महिलाओं के लिए भी कई सारे प्रावधान हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। EWS के लिए भी प्रोविजन है और तो इसमें कुछ विशेष सूचनाएं हैं जो आपको लगभग हर उसमें मिलती है।
जैसे कि अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाएं कि उनका आवेदन वो उन विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप हैं। अगर आपको कोई विज्ञापन इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो एक लखनऊ का नंबर है, उस पर आप बात कर सकते हैं। वेबसाइट है, उस पर आप जो है FAQ यानी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में जो है आप जा कर के देख भी सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अंतिम आवेदन ही सबमिट स्वीकार होगा, शेष आवेदन निरस्त माने जाएंगे। केवल एक ही आवेदन पत्र माना जाएगा, शेष आवेदन पत्र में ऑटोमेटिकली निरस्त कर दिए जाएंगे। ये है UPSSC द्वारा भर्ती जो विज्ञापन जारी हुआ है उसका आपसे आग्रह है कि आप लोग फॉर्म को अप्लाई करें, परीक्षा दें और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि सफलता जरूर मिलेगी यदि आप सकारात्मक होकर के परीक्षा की तैयारी करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।